आपको वचन से मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूं कि खुदा अपने बच्चे लोगों के लिए क्या क्या करते हैं और वो कितने मोहब्बत करते हैं आपसे, वो आपसे कितने प्रेम करते हैं और वो आपको कितना चाहते हैं और वो कितने भला परमेश्वर हैं। Let us come. ये जिंदगी की मेरी सबसे बड़ा सच्चाई है। Every good thing in my life exists because of God's goodness. मेरी जिंदगी में हर एक चीज जो अच्छा है, जो मैं देख के कहता हूं मेरी जिंदगी में अच्छा है, वो खुदा की वजह से, क्योंकि वो भला है। उनकी भलाई की वजह से मेरे जिंदगी में इतने कुछ अच्छा है। आज देखिए, मैं एक ऐसा पापी हूं जो पापी को शायद मेरी जिंदगी में ये टैग हमेशा रहेगा जब तक मैं इस दुनिया में हूं। मैं अपने आप को हमेशा पापी कहूंगा, क्योंकि एक जो इंसान मर्डर कर देता है, मर्डर करने के बाद वो अगर पश्चाताप भी करे, उसे कोर्ट में अगर खड़ा किया जाता है तो जज उसको पनिशमेंट जरूर देता है। वो भावनाओं में बह के ये नहीं कहता कि वो पश्चाताप किया है उसे छोड़ दो। जज अपना जजमेंट एग्जीक्यूट करता है। वैसे ही हालांकि मैं बहुत गुने में था, बहुत गुनाह किया, आज अगर शायद मैंने गुनाह कम कर दी, इसके मतलब ये नहीं है कि मैं गुनहगार नहीं हूं। और मैं जो खुदा के सामने खड़ा हूं, ही इज अ राइटियस जज। इसीलिए अगर मैं सच्चाई लेके नहीं जाऊं उनके पास, तो शायद उनकी जो एक आचरण है कि वो रहमत करता है, हिज मर्सी इंड्योर्स फॉरएवर, द रिचेस ऑफ हिज मर्सी, वचन में कहा जाता है, वो एक दौलत है पापी के लिए कि उनकी दया पाना। वो दयालु परमेश्वर है, उनकी एक आचरण है। इसीलिए जब हम लोग सच्चाई में जाते हैं, हम लोग दया पाते हैं। पवित्र वचन में हम लोग की जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, सब उनकी वजह से है। नहीं तो आज मैं अपने जिंदगी में, जब मसीह नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरे घर में हमेशा झगड़ा होता था, मुझे लेकर लड़ाई होता था, परेशानी होता था, अशांति होता था। लेकिन जब से मेरे जीवन की डोर ने मसीह ने पकड़ा और मेरे परिवार की जीवन की डोर मसीह ने पकड़ा, तब से और झगड़ा नहीं होता, लेकिन एक मोहब्बत है। पवित्र वचन में और गहराई से हम लोग लास्ट कोटेशन में चलेंगे, फिर पवित्र वचन में प्रवेश करेंगे। ये दाऊद विश्वास करता था, और दाऊद के विश्वास की वजह से दाऊद के जीवन में कामयाबी उसे हासिल हुआ। इसीलिए कहा जाता है, कितने शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश किया, कि हर जर्रे ने तुझे मिलाने की साजिश किया। इट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम लोग विश्वास करते हैं, तब कहीं ना कहीं इट वर्क्स इन आवर फेवर। Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. उसके विश्वास था। इसलिए विश्वास नहीं था कि वो धार्मिक था। दाऊद अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसकी एक प्रॉब्लम था, वो पिसल जाता था जब भी औरत को देखता था। वो जानता था वो पापी था, लेकिन वो अपना वजह से ये बात नहीं कह रहा था। वो ये बात इसीलिए कह रहा था कि वो भला हो या ना हो, लेकिन जो परमेश्वर की वो पूजा आराधना करता है, वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। इसीलिए वो विश्वास के साथ ये बात कहा कि श्योरली, श्योरली मतलब सच में, हमेशा मेरे जिंदगी में भलाई और मोहब्बत उनकी रहेगा, ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, हमेशा के लिए मेरे जिंदगी में उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत, उनकी गुडनेस विल फॉलो मी। एंड इट इज सेड कि मैं उनके घर में रहूंगा, मैं उनके साथ रहूंगा। और आज देखिए, यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे कि वो आपके साथ रह सके, वो आपके साथ एक वाचा बांध सके। एंड वी शैल बी कॉल्ड द फैमिली ऑफ गॉड। इसीलिए आइए पवित्र वचन में प्रवेश करते हैं।
साम्स 34 भजन संगीता 34 के 5 देखिए बहुत खूबसूरत बात कह रहा है. Those who look to him are radiant. जो कोई भी खुदा की तरफ देखता है उनके अंदर उनकी शक्ल में एक ज्योति आता है. They have a light on their face, radiant. Their faces will never be covered with shame. जो कोई भी खुदा की तरफ देखता है वो लोग कभी भी लज्जित इस दुनिया में नहीं होगा. मैं आपको से कहना चाहता हूं, मेरे एक बीमारी था, मैं गलत करते ही रहता और वो गलत को मैं रोक भी नहीं पाता था कभी कभी. लेकिन जब मैं गलत करता था कभी कभी वो डर हमेशा सताता था कि पकड़ा जाएंगे. लेकिन हमेशा मैंने खुदा के पास ही किया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे लज्जित होने नहीं दिया. जैसे आदम और हवा जब गुनाह किया था खुदा ने उन लोग की बेशर्मी को ढाक दिया था. वो लोग शर्म से अपने आप को छुपा रहा था खुदा से, खुदा ने ढाका, उसे एक्सपोज नहीं किया. इसलिए जब हम लोग अपने गुनाह लेके खुदा के पास आते हैं वो एक्सपोज नहीं करता लेकिन उसे ढाक देता. उन्होंने अपने हम लोगों के गुनाह को अपने कंधे पे चढ़ा के जो उसकी एक जजमेंट हम लोग के ऊपर आना था वो जजमेंट ह्यूमिलिएशन द स्ट्राइव्स वो कोड़े खाए. उसे ह्यूमिलिएट किया गया, उसे नंगा किया गया. किसके वजह से? मेरे गुनाहों की वजह से. क्योंकि यीशु मसीह के कोई गुनाह था ही नहीं जिससे उसे क्रूस सलीब पे कोई चढ़ा सके. यहां तक पिलातुस ने भी कोई भी गुना उनमें नहीं पाए, लेकिन तभी भी उसे चढ़ाया गया. उसे इसीलिए चढ़ाया गया क्योंकि उनके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई, उनके खून बहाने से हम लोगों ने रिहाई पाई. आज हम लोग अंधेरे से बाहर आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने खून बहाया. आज अगर हम लोग मौत के करीब भी जाए हम लोग मसीह को बुला के जीवन पा सकते हैं क्योंकि उन्होंने खून बहाया. और ये कोई ऐसे ऐसे खून नहीं था, ये कोई मेमना की खून नहीं था कि मूसा के समय में मेमना की खून लगाया और मौत की फरिश्ता आके जिसके भी घर पे वो मेमना की खून को देखा वो घर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया. लेकिन आज हम लोग एक ऐसे खून से धुले हुए हैं, एक ऐसे खून हम लोग के शरीर सर पे लगाया हुआ है जो खुदा यीशु मसीह का है, जो खुदा के बेटे के. इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कोई भी मुझसे विश्वास रखता है वो अगर मर भी जाए तभी भी वो जीवित रहेगा. और ये सच्चाई है. जितने जल्दी हो सके इसमें ईमान लाइए क्योंकि वचन में कहता है This poor man called and the Lord heard him. एक गरीब इंसान ने खुदा को पुकारा और खुदा ने सुना और उन्होंने हर एक तकलीफ से उसे निकाला. He saved him out from all his trouble. साथ में कहता है and the angel of the Lord encamped around those who fear him. ये देखिए कि खुदा की बच्चे लोग जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा को खोने में डरते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वचन में कहा जा रहा है कि फरिश्ता लोगों को उनके घर के पास में रखा जाता है. दे इन कैंप्स. इन कैंप्स मतलब समझ रहे, इन कैंप्स वो होता है कि अगर हम लोग कैंपिंग करने कितने कोई गए, कैंपिंग करने अगर जाएंगे तो हम लोग वो कैंपिंग जगह को ढूंढ लेते हैं जहां पर नदी है, जहां पर बड़ा सा जगह है, सामने में नदी है, वहां टेंट लगा के हम लोग बॉन फायर जला के वहां पर ही कैंपिंग करते हैं. तो खुदा की वचन को कहा जा रहा है जो लोग डरता है खुदा की फरिश्ता उन लोगों के पास में रहता है, उनके घर के करीब में रहता है कि कभी भी अगर उन लोगों की जरूरत पड़े तो वो आके उन लोगों को बचाएगा. तो आपकी दुआ करने से पहले खुदा ने वहां पर ही एक फरिश्ता को लगा के रखा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है.
जैसे एक माँ बाप अपने बेटे को अगर घर में अकेले छोड़ के जाते हैं तो पूरा अकेले नहीं छोड़ के जाएंगे, कोई ना कोई बड़े को रखेंगे जो अपने बच्चे लोग को देखे, जिसमें वो विश्वास रखते हैं माँ बाप लोग। वैसे ही आपके खुदा बाप ने आपके लिए फरिश्ते रखे हैं। आप अगर नहीं देख पाते हैं तो कभी भी मैं आपसे दावा करके कहता हूं, कोई परेशानी में गिर के दिखाइए, कोई परेशानी में गिर के दिखाइए। अगर आप खुदा के बच्चे हैं, सबसे अच्छा चीज है कोई परेशानी में गिरिए और देखिए खुदा क्या करता। इसीलिए वो इंसान लोग नहीं डरता जो लोग खुदा को जानता है, जैसे कि हम लोग। जब मेरे लिए मेरे पूरा घर के पारा लोग जाल बुन रहा था, सब सिग्नेचर दे रहा था, मैं हंस रहा था क्योंकि मुझे मालूम था मेरे साथ जिंदा परमेश्वर है। और मैंने वो बात कहा कि वो लोग जो जाल मेरे लिए बुना है वही जाल में वो लोग खुद फंसेंगे और मैं नाचूंगा उस दिन। और वही बात खुदा ने किया। और मेरे साथ मेरे भाई भी थे, तू ही, जिन्होंने ये चीज देखा था। क्योंकि खुदा की फरिश्ते लोग उन लोगों के साथ में रहता है, उन लोगों के पास में रहता है जो लोग खुदा से डरते हैं, जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं। और वो हमेशा इसीलिए रखा गया कि वो आपको उद्धार कर सके जब आप परेशानी में गिरेंगे। इसीलिए बड़े से बड़े परेशानी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे घर में आया, यहां तक यहां के जो लोग थे मेरे नाम में रेप केस तक डाला गया था, झूठ मूठ का। तब मैं 15 साल का था, क्योंकि ये पूरा इलाका में हम लोग एक ही ईसाई परिवार थे, ये पूरा इलाका हिंदू से भरे हुए थे। हम लोग सिर्फ एक लौता ईसाई थे और हम लोग को कुछ सही नजर से नहीं देखता था, और हमको फंसाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश किया, लेकिन एक घंटा भी वो पुलिस के वहां पर ही रख नहीं पाया। ना मेरे बाप को आना पड़ा, ना मेरे मां को जाना पड़ा, वो खुद ब खुद यहां के काउंसिलर के जो दाहिने हाथ थे वो पहुंच गए थे निकालने के लिए, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए योजना रखा था। शायद उस वक्त मैं खुदा के ओर नहीं चल रहा था, लेकिन उसकी योजना मेरे लिए था। पवित्र वचन में और गहराई से आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसीलिए कहा जाता है, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख के देखिए कि खुदा कितना भला है, वो कितना भला है। एक बार चख के देखिए, एक बार मोहब्बत करके देखिए, एक बार उनको चाह के देखिए, एक बार उनको दिल से बुला के देखिए, एक बार उनको वो गीत गा के देखिए, वो कितना भला परमेश्वर है। ब्लेस्ड इज द वन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम, धन्य है जो उनमें पना पाता है, जो उनमें पना मिलता है वो व्यक्ति को धन्य कहा जा रहा है। दाऊद वो व्यक्ति को धन्य कह रहा है, वो दाऊद कह रहा था जो दाऊद इज़राइल की राजा बन चुका था और पूरी इज़राइल को घेरा हुआ था, 8 ऐसे शहर जो शहर इज़राइल के विरुद्ध था और इज़राइल से ताकतवर था। लेकिन दाऊद एक ऐसे लड़का था जो बहुत छोटे से खुदा ने उसे बड़ा बड़ा जीत हासिल करवाया। जो लोग बड़ा बड़ा जीत पाया है वो लोग जब बड़ा परेशानी आता है वो लोग नहीं डरता, लेकिन जो लोग छोटा छोटा जीत भी उन लोग के हाथ से फिसल गया, उन लोग के जीवन में थोड़ा सा भी तकलीफ आने से वो लोग टूट के बिखर जाता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा में वो भरोसा रखिए। जब परेशानी आ रहा है, जब लग रहा है कि आपके द्वार के मेरे घर के करीब आ चुका था, मेरे घर के ऊपर आसपास में सब जगह कोरोना वायरस था, यहां तक मेरे घर में भी एक आदमी आ चुका था कोरोना वायरस लेके, लेकिन अभी तक कोई नहीं छू पाया। क्यों नहीं छू पाया? क्योंकि खुदा की रहमत, खुदा की हाथ इस घर के ऊपर थे और आपके घर के ऊपर भी खुदा की वो हाथ आज भी है और वो हाथ को नहीं हटाएंगे जब तक उनकी योजना आपके जीवन में पूरा नहीं होता। इसीलिए नाहम की पत्र में चलते हैं, एक के साथ, नाहम की पत्र एक के साथ में कहता है, द लॉर्ड इज गुड, अ रेफ्यूज इन टाइम्स ऑफ ट्रबल,
He cares for those who trust in Him. The Lord is good, Khuda bhala hai. A refuge in times of trouble, वो पना है जब परेशानी तुमको घेर लेता है. उनमें हम लोग पना पाते हैं जब परेशानी हम लोग को घेर लेता है, क्योंकि वो हम लोग से प्यार करता है, वो हम लोग से मोहब्बत करता है. Those who trust in him. आज एक विश्वासी कह सकता है कि अगर खुदा इतने भला है तो याकूब जोब के साथ खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया, क्यों जॉब के साथ खुदा ने ऐसा होने दिया. आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्यों होने दिया. अगर वो भला परमेश्वर है वो क्यों होने दिया. चलिए जॉब के पत्र खोल लेते हैं. योब के एक अध्याय में 6 पद संख्या में कह रहा है, वन डे द एंजल्स केम टू प्रेजेंस देमसेल्फ बिफोर द लॉर्ड. कहां जा रहे, एक दिन ऐसा हुआ कि हर एक फरिश्ता जो आसमान में बसता था वो लोग अपने आप को खुदा की हजूरी में, उनकी मौजूदगी में पेश किया. वो लोग अपने आप को पेश किया खुदा की हजूरी में और मौजूदगी में. और जब वो फरिश्ते लोग वहां मौजूद हुआ, वहां पर ही आया शैतान भी, वहां पर ही आया शैतान भी. ही ऑल्सो केम विद देम. खुदा ने उससे सवाल किया. द लॉर्ड सेड टू हिम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तू कहां से आया. उन शैतान ने जवाब में खुदा से कहा, फ्रॉम रोमिंग थ्रू आउट द अर्थ गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन इट. वो कह रहा है कि मैं पृथ्वी के हर एक कोना से कभी पीछे या कभी पहले घूम के, हर एक जगह घूम के मैं आपके पास आया. अब खुदा यीशु मसीह जो वहां बैठे, उन्होंने सवाल किया, जो सवाल 8 में हम लोग देख पाते. Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job? क्या तूने मेरे संतान योब को देखा है. अब ये सवाल हम लोग जान पा रहे हैं कि यहां पर ही क्या बातचीत हो रहा है दोनों में. सेटन की मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, शैतान की मतलब ही है एडवर्सरी, जो विरोधी है, जिन्होंने विरोध किया है, खुदा के नियम के विरुद्ध खड़ा हुआ, जो खुदा के मुताबिक नहीं चलना चाह. खुदा ने इस संसार को रचा, स्वर्ग को रचा, और उन्होंने नियम से बांधा इसको. वो नियम में वो रहना नहीं चाहता था और वो नियम के विरुद्ध खड़ा हुआ. और जब वो नियम के विरुद्ध खड़ा हुआ, वो कह रहा है खुदा से कि मैं पृथ्वी के हर एक कोना से घूम के आया हूं. वो घूम के क्या कर रहा था, वो घूम के हर एक इंसान को देख रहा था कि कौन कितने पानी में है, कितने सच्चाई में है. और तभी खुदा उससे कहा कि तूने क्या मेरे संतान योब को देखा, उसके तरह कोई भी नहीं है. खुदा ने कहा देयर इज नो वन लाइक हिम ऑन अर्थ. उसके तरह पृथ्वी में कोई भी इंसान नहीं है. योब एक ऐसे लौता व्यक्ति है जो मुझसे प्यार करता है. खुदा ने शैतान से कहा. अब शैतान वही प्यार को झूठा ठहराने की कोशिश किया. जो प्यार मसीह की और योब के अंदर में था, जो वाचा उन लोग दोनों के अंदर में था, उन्होंने सवाल किया कि तुम लोग का रिश्ता इतने अच्छा कैसे हो सकता है, तूने तो उसे सब कुछ दिया. उन्होंने उनकी मोहब्बत पे सवाल उठाया. उन्होंने जो ये बात शैतान को कहा है कि तूने देखा कि उसके तरह कोई नहीं है, वो बात पे सवाल उठाया. वो बात पे उन्होंने सवाल उठाया कि उसके तरह कोई भी यही नहीं है इस दुनिया में, योब के तरह कोई भी नहीं है इस दुनिया में. ये खुदा ने शैतान को कहा और वो बात पे उन्होंने सवाल उठाया. वो इसीलिए आपको पूछता है, वो इसीलिए आपसे प्यार करता है. क्यों? क्योंकि आपने उन्होंने उनको सब कुछ दिया. खुदा ने कहा अच्छा ये बात है. तू सोचता है, शैतान को खुदा ने कहा, तू सोचता है कि मैंने उसे सब कुछ दिया बोल के वो मुझसे मोहब्बत करता है. तू गलत सोचता है. जा, मैं तुझे ताकत देता हूं, तू उसके सब कुछ छीन ले, लेकिन उसके जीवन को तू नहीं छीन सकता. और तब जाके शैतान ने उसे परीक्षा किया, लेकिन हार गया.
क्योंकि सच्चा खुदा कभी भी गलत नहीं हो सकता। खुदा कभी भी गलत नहीं हो सकता, वो अपने बात में कायम थे। इसीलिए जोब के जीवन में परीक्षा आया, क्योंकि जोब अच्छे थे बोल के नहीं, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया था खुदा के बात पे, वो खुदा को चैलेंज किया था, जोब को नहीं। इसीलिए जब हम लोग परेशानी में गिरते हैं या हम लोग के जीवन में अगर कोई परीक्षा आता है, हम लोग संगे संग उंगली उठा लेते हैं। इसीलिए पता चलता है कि हम लोग खुदा के नहीं है। लेकिन जोब खुदा के थे, उन्होंने एक भी मुंह से गलत शब्द नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि खुदा सिर्फ मेरे लिए भलाई करेगा, क्या वो मेरे लिए बुरा नहीं कर सकता? वो दोनों चीज कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। वो मेरे साथ बुरा भी कर सकता है, वो मेरे साथ अच्छा भी कर सकता है। रिश्ता तभी बनता है, सच्चा मोहब्बत तभी बनता है जब एक इंसान दोनों चीज को अपना ले। एक इंसान की दोनों चीज को अपना ले कि मैं इसकी अच्छाई को अपना रहा हूं, उसके साथ इसके गलत को भी मैं अपना रहा हूं। आज जब आप दोनों चीज को एक साथ अपना लेते तब सच्चा रिश्ता बनता है, नहीं तो नहीं। इसीलिए खुदा ने कहा, ही इज ब्लेमलेस एंड अपराइट, अ मैन हु फियर्स गॉड। खुदा ने कहा कि उसके अंदर में कोई भी गलत चीज नहीं है। शैतान वहां पर ही खुदा की ताकत को, खुदा की सामर्थ को चैलेंज किया, लेकिन वो हार गया था। क्योंकि खुदा जो देखता है वो जानता है, वो जो चुनता है वो जानता है, और वो आपको चुना है, और वो आपको भी जानता है। इसीलिए डरिए मत, लेकिन आनंद कीजिए, गीत गाइए, हंसिए और हंसाइए एक दूसरे को, क्योंकि मसीह खुदा, आपके खुदा बाप आपके लिए भलाई सोच रहा है। आपकी खुदा बाप आपके लिए मोहब्बत, एक आशा, एक जीवन, बहुतायत के जीवन के बारे में सोच रहा है। अ फ्यूचर एंड अ होप, यरमायाह की 29:11 में कहता है कि मैं तेरे लिए योजना रखा टू गिव यू अ फ्यूचर एंड होप।